भाई साहब मोर्चा किहड़े पासे जा रहा, क्योंकि दो मामले आ गए, एक तो बलजीत सिंह दादूवाल वाला, दूजा आ गया अज हरजिंदर सिंह धामी वाला, तो मोर्चा किहड़ी दिशा जाएगा? कौम इस दुविधा ते दुख की पीड़ा च होवे ते ए आगू उन्हां सरकारां नाल रल के चंगे अहुदे भी मानण ते जिम्मेवारी नाल कोई काम भी ना करन, घर बुला के फिर बेइज्जत करना, ये भी सामने एक बार तू सदा दे रहे कि सारे आने के समर्थन करो इस कौमी मोर्चे का, पर जे कोई आगू आंदा है तो उस तरीके नाल जलील करके भेजना, ये भी लोगों ने उन्होंने कहा भी ये साडे घर आए सी। देखो मोर्चा जदों दा लग्गिया मैं तो आपके घर नहीं गया, किसी के घर जाके सदा की देना मोर्चे चाउण दा, मैनूं ये गल जिवें बलजीत सिंह दादूवाल नूं घेरिया गया, नौजवान ने सवाल पूछे, काफ़ी वीडियो वायरल होईआं। दूजे पासे अज फिर कई नौजवानों ने हरजिंदर सिंह धामी सवाल पूछे, लोगों के मन के है कि जी तालमेल कमेटी बनाई हुई है वो सवाल पूछ सकती है या फिर नौजवान ही पूछ सकते कि जिम्मेवारी थोड़े कोल? कोई व्यक्ति विशेष जिहड़ा हैगा वो अगवाई नहीं कर रहा, संगती रूप से अगवाई धामी कह रहे हैं कि रिस्पोंसिबिलिटी की है जी अगर तालमेल कमेटी है या फिर प्रशासन की, कि पुलिस प्रशासन ही फेलियर है, दूजे पास तालमेल कमेटी भी, क्योंकि जिन्हों के होंगे वो साढ़े उत्ते राही स्नेहा लाया से वो नाल बैठा गुरदीप सिंह बठिंडा ने दसिया है ना, उन्हों की कोई जिम्मेवारी नहीं, उन्हों की कोई जिम्मेवारी नहीं कि एडे सन्मानित अहुदे ते बैठ के है ना वो मसला हल किए बगैर एक सड़क पर बैठी संगत के बच्चे आए, उन्होंने कोई बत्ती जथेबंदियां किसान आगू तुम उन्होंने भी कह रहे हो कि साड़ा समर्थन करो, असं भी थोड़ा जाके मोर्चे से कितना दिल्ली किया, पर नौजवान तो उन्होंने भी सवाल हो गए फिर कि तुम मोर्चा जल्दी चक लिया, मंगा जो किसानों ने नहीं मनाइया से तो उन्होंने किमें रोकोगे फिर इतने लोगों का कट घट नहीं जाएगा? ये 7 तरीक का कौमी मोर्चा चंडीगढ़ के बॉर्डर के उत्ते लगे हुए है, जिथे कि लगातार सिख संगतों वालों संजोग किया जा रहा है, पर पिछले दिनों तो एक घटना जी हुई सी उस तो बाद अज एक नवी घटना होर हुई है जिसनों लैके सिख संगत दुविधा विच पईआं होईआं ने कि हो की रहा है कौमी मोर्चा लगे हुआ है। पिछले दिन ही बलजीत सिंह दादूवाल नूं सवाल पूछे गए नौजवानों वालों घेरिया गया, दूजे पासे अज SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी नूं भी घेरिया गया, सवाल पूछे गए, दस्या जा रहा उन्होंने जिहड़ी गड्डी है उहदे उत्ते भी हमला होया, पर यह पूरी घटना मोर्चे नूं किस वाले लैके जा रही है, तो इस नूं लैके जो मोर्चे की तालमेल कमेटी है तो भाई बलविंदर सिंह साढ़े नाल ने, भाई साहब मोर्चा किहड़े पासे जा रहा, क्योंकि दो मामले आ गए, एक तो बलजीत सिंह दादूवाल वाला, दूजा आ गया अज हरजिंदर सिंह धामी वाला, तो मोर्चा किहड़ी दिशा वल जाएगा जे इदां दीआं जिहड़ियां घेर घेर के भजाणा इदां दे प्रधानां नूं किवें निकलेगा? देखो अज जिहड़ी घटना होई है वो मंदभागी घटना है, और उहदे लई मोर्चे वल्लों जाणी असीं सिख पंथ तों कौम तों माफ़ी मंगदे हां, पर सवाल यह है कि साडे ओह आगू जिन्हां ने सरकारां दी मदद नाल जां सरकारां वल्लों दित्ते वड्डे वड्डे अहुदियां नूं माणिया जां माण रहे आ, ठीक है, तां उहनां दी जिहड़ी जिम्मेवारी बनदी है, क्योंकि सिख कौम जिहड़ी हैगी आ उहदे नाल तां लगातार धक्केशाही होई जा रही है, 7 साल सिखां दे इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अपमान होवे ते उहदा न्याय ना मिले, एदू वड्डी घटना किहड़ी हो सकदी आ? बाइबल कोटकपुरा गोलीकांड दे विच जिन्हां लोकां नूं शहीद किया गया जिहड़े सिख इंसाफ मंग रहे सी उहदा कोई न्याय ना मिले, उहदे लई कमिशन बन जाण और उहनां ते कोई कार्रवाई ना होवे, उहदे लई एसटीआं आपदियां रिपोर्टां देण और उहदे ते सरकारां न्याय ना देण, तां फिर कौम इस दुविधा ते दुख दी पीड़ा च होवे ते ए आगू उहनां सरकारां नाल रल के चंगे अहुदे भी मानण ते जिम्मेवारी नाल कोई काम भी ना करन, ठीक है, इस करके एक आक्रोश तो हुंदा ही है ना मन च। पर एक गल ये भी सामने है भाई बलविंदर सिंह जी कि घर बुला के फिर बेइज्जत करना, ये भी सामने एक बार तू सदा दे रहे कि सारे आने के समर्थन करो इस कौमी मोर्चे का, पर जे कोई आगू आंदा है तो उस तरीके नाल जलील करके भेजना, ये भी लोगों के सवाल ने कि जलील करके क्यों भेजना, फिर उहदे नाल बैठ के कितने गलबात तुसीं पहलां कर लैंदे इस चीज़ बारे? देखो उन्हां नूं तां बेनती एक दिन पहलां करती सी, ठीक है, पहली गल तो उन्होंने किसी भी मोर्चे के आगू के नाल 7 जनवरी तो मोर्चा लग्या जेडे भी बंदे इत्थे जिम्मेवार ने किसी प्रबंधक के नाल गल नहीं की, जे गल की तो अज उन्होंने वो फोन जिहड़ा सीगा वो नशर करना चाहिए सी, उन्होंने कहा भी ये साडे घर आए सी। देखो मोर्चा जदों का लग्या मैं तो आपके घर नहीं गया, किसी के घर जाके सदा की देना मोर्चे चाउण दा, मैनूं ये गल दसो, असी गए सी इन्हां कोले 1.25 महीना पहलां, ठीक है, और उस वेले असी इन्हां नूं ये बेनती करन गए सी कि इन्हां मुद्दियां ते मोर्चा लग रहा है,
ठीक है आडे हिस्से का काम है इनू करके आप नेड़े लियाईए कौम 328 सरूपों वाला जो मामला से ठीक है। दूजी बेनती असी करन गए सी कि सानू सहयोग दिओ ये अंब साहब के नेड़े जिहड़ा हैगा मोर्चा लगना है ठीक है और तुसी सारे गुरु घर जिहड़े हैगे एस जी पी सी दे उन्हां दे प्रमुख हो इस करके गए सी। जथेदार जगतार सिंह हवारा ने भेजिया सी जिस वेले बापू जी मैनू अज दस रहे सी कि बलविंदर मेरी अज तक कदे भी धामी जी दे नाल फोन ते गल नहीं होई ना मैं उन्हां नूं कीता ना उन्होंने किया। जिस वेले बलविंदर जटाणे दी ते भाई दिलावर सिंह होरां दी तस्वीर अजायब घर च लगती है तो मैनू सिंह साहब ने कहा कि उन्हां दा जाके धन्नवाद करके आओ। वो कहिंदे भी मैं उदों जाके इन्हां दा धन्नवाद कीता सी ठीक है। सो इन्हां नूं कल शामी इन्हां ने जिहड़ा सुनेहा लाया सी ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਅਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27.5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਐਜ਼ ਏ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਵੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
संगत च हमायत करन आए हो स्पष्ट जवाब तो दे के जाओ, तुसी वीडियो सुन लियो। एक गल होर भी सामने है कि जिवें बलजीत सिंह दादूवाल नूं घेरिया गया, नौजवान ने सवाल पूछे, काफ़ी वीडियो वायरल होईयां। दूजे पासे अज फिर कई नौजवानों ने हरजिंदर सिंह धामी नूं सवाल पूछे। लोगों के मन के है कि जी तालमेल कमेटी बनाई हुई है वो सवाल पूछ सकती है या फिर नौजवान ही पूछ सकते कि जिम्मेवारी थोड़े मोढ़े ते है, थोड़े मोढ़े करके ही मोर्चा लग्या होया। देखो ये मोर्चा नौजवानों के सिर पर लग्या, ये मोर्चा संगत के सिर पर लग्या। इस मोर्चे का कोई व्यक्ति विशेष जिहड़ा हैगा वह अगवाई नहीं कर रहा, संगती रूप से अगवाई हो रही है। असी हर रोज़ रात को मीटिंग भी करते हैं, एक दिन दो दिन छड़ के भी होंगी है ना। हुण सवाल यह आ कि मतलब ये मोर्चा एक परिवार वांग है ना, जिन्हां ने गलती की उन्होंने पूछा जाएगा, यह गल हो चुकी है ठीक है कि संवाद रचाया जाना चाहिए सी। पर दो तीन गल्लां जिहड़ियां उत्थे होईयां, एक तो वह आपकी गल कहण तो बाद उठ के चले गए। उन्होंने बार बार अमर सिंह चाहल होर ने भी कहा भी बैठो, जिहड़े एक दो बंदे बोल रहे आ क्रोस च उन्होंने सुन लो, उदू बाद असी थोड़े नाल जावांगे ठीक है। वह चले गए, फिर मैं एक वीडियो देखी है, मैं इत्थे है नहीं सी भी अपने धामी साहब बाहर निकल के भी उन्होंने वधदे है ना, ये नहीं होना चाहिए सी। पर आप कहीए भी ये पिछे कोई साजिश सी, ये मोर्चे वाले ने कराता ज सरकार ने कराता, देखो ये मैनू तो कोई नज़र नहीं आता। सिंह धामी ये कह रहे हैं कि रिस्पोंसिबिलिटी की है जी, अगर तालमेल कमेटी है या फिर प्रशासन की, कि पुलिस प्रशासन ही फेलियर है, दूजे पास तालमेल कमेटी भी, क्यों जिन्होंने होंगे वो साढ़े उत्ते हमला हो गया। नहीं उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं भी, उन्होंने शाम को सुनेहा लाया गया सीगा ठीक है मैसेंजर राही, और जिदे राही सुनेहा लाया सी भी बैठा सीगा गुरदीप सिंह बठिंडा ने दसिया है ना, उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं, उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं कि एडे सन्मानित अहुदे ते बैठ के है ना वो मसला हल किए बगैर एक सड़क ते बैठी संगत दे विच आए, उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं ठीक है। सो देखो जो होया माड़ा होया है ना, पर यह जिम्मेवारी जिहड़ी हैगी है ये सिट देनी मतलब सिर्फ मोर्चे वालियां ते। अच्छा एक गल होर भी सामने है कि देखो 32 जथेबंदियां किसान आगू, तुसीं उन्हां नूं भी कह रहे हो कि साडा समर्थन करो, असीं तुहाडा जाके मोर्चे ते कितना दिल्ली ते कीता सी, पर नौजवानां दे उन्हां नूं भी सवाल होणगे फिर कि तुसीं मोर्चा जल्दी चक लिया, मंगा जे किसानां दी नहीं मनाईयां सी, फिर उन्हां नूं किवें रोकोगे, फिर इत्थे लोकां दा कट घट नहीं जाएगा, ये भी सामने। देखो सवाल जिहड़ा हैगा वह चार मुद्दियां दा है ठीक है, इत्थे होर किसी नूं कोई सवाल नहीं होना ठीक है। क्यों राजेवाल साहब आंदे ने, उन्हां दी सियासी पार्टी है, उन्हां नूं रोकिया जाएगा, किसी नूं नहीं रोकिया जाएगा ठीक है ना, किसी नूं नहीं, पर वो बोलेगा मुद्दे ते। जथेदार जगतार सिंह हवारा ने हवारा जी ने एक छोटा जा पत्र लिख के भेजा, वो पत्र दे फ्लैक्स बन जाएंगे, एक पंडाल दे मूहरे लाया जाएगा, एक स्टेज दे पिछे लाया जाएगा, चार फ्लैक्स जिहड़े मोर्चे चलाए जाएंगे, जिन्हां ते लिखिया होया उन्होंने लिख के भेजा कि इन्हां मुद्दियां दे उत्ते ही गल कीती जावे, कोई विवादित या भड़काट वाली गल ना की जाए ठीक है। समय के हाकम साड़ी एकता तो बहुत डरते है ना, तो अज सवाल चौधर का नहीं है, पंथ से मंडरा रहे संकटां दा है, उन्होंने मतलब हाथ जोड़ के बेनती की है, ये वो सारा लिख के ला देना कल कल जो कांग्रेस के आगू या फिर अकाली दल तो मुड़े आगू आते हैं, आम आदमी पार्टी के आते हैं, तो उन्होंने सवाल पूछे जाएंगे या कितने समर्थन वास्ते बैठने वाली जगह दोगे उन्होंने मोर्चे चो। देखो सवाल यह आ कांग्रेस वाले किहड़े मूँह ना आउणगे कि उन्होंने इंसाफ दिता। हरजिंदर सिंह धामी भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे, उन्होंने विरोध करना चाहिए इस कौमी मोर्चे को, कर रहे हैं उल्ट साडा कि साड़ी असी SGPC प्रधान है कि ड्यूटी अहमियत है प्रधान की, उन्होंने इस तरीके जलील किया। देखो राहुल गांधी इत्थे हुंदा इत्थे आउंदा ते उहदा विरोध करदे है ना, हुण इत्थे मोर्चा लाया होया कोई मोर्चे चो हार पाउण तां नहीं गया उन्होंने, फिर तो वह उजर करन है ना। सवाल यह है भी इतने आम आदमी पार्टी आऊगी है ना, मौजूदा हुकूमत है उन्होंने हल लैके आऊगी ना, आवे जी सद के हल लैके आवे, मतलब जिस तरह बैबल मोर्चा लग्या उत्थे हर महीने मतलब जिहड़े हैगे आ संधवा साहब जाते रहिंदे आ ते डूढ़ महीने का पैकेज लैके जाते हैं, तो फिर वो ये ड्रामे इस मोर्चे च नहीं होने ठीक है। हरजिंदर सिंह धामी वालों एक इशारा किया गया कि आइडेंटीफाई भी हो जाते हैं इदा के बंदे जो हमला करने वाले ने, अगर जो नौजवान वीडियो दिस रहे हैं हमला करते कोई लाठीचार्ज कर रहा या फिर कोई कोशिश कर रहा हमला करने की, वो आइडेंटीफाई होंगे ने जो उन्होंने उत्ते कार्रवाई करती है, कल अकाली दल करता है या फिर सरकार करती है, हम नौजवानों के नाल रहोगे या फिर हमला करने वाले जो नौजवान ने उन्होंने खिलाफ जाओगी थोड़ी जी कौमी मोर्चा कमेटी।
देखो सब तो पहली गल तो यह है कि अज ये गल तालमेल कमेटी च हो चुकी है, ठीक है, उन्हां दी शनाख्त जिहड़ी हैगी आ उह करके कल उन्हां दे नाल सारयां दे गल कीती जाएगी कि तुसीं तुहानूं किहने हक दित्ता सीगा पत्थर चलाउण दा, ठीक है, ये गल होएगी। दूसरी गल इह है कि अकाली दल जां होर जो भी है ना, अगर वह उन्हां ते हमला करदे आ ते उन्हां दी किड्डी कि सियाणप होएगी, ठीक है, उहदी भी असीं निखेधी करांगे, इहदी भी निखेधी कर रहे हां। असी लड़न वास्ते नहीं बैठे, असी इंसाफ वास्ते बैठे हाँ और इस गल लई बैठे हाँ। जथेदार जी का हुक्म है कि सारी कौम इकट्ठी हो गए। अच्छा लास्ट सवाल है कि कल कोई मान लो किसान आगू या फिर कोई होर पार्टी का आगू इस जगह के उत्ते आंदा है तो हुण नौजवानों को किवें समझा के रखोगे थोड़ी जिम्मेवारी होर वध गई है क्योंकि पिछले जो गलतियां हुई भावें थोड़े तालमेल कमेटी तो हुई भावें नौजवानों तो हुई भावें अच्छी पीसी प्रधान की गल करिए उत्ते हमला होया या फिर दादूवाल नूं सवाल पूछे गए हैं तो तालमेल कमेटी अगे वास्ते की चंगा करने की कोशिश करेगी कि जिहड़ा आगू कोई आंदा उसनू गड्डी तक छड्ड के आना जां उसनू थोड़ा नौजवान दूर करके आना कि सवाल पूछने का हक थोड़ी तालमेल कमेटी का मेन मनिया जाता कि तुसीं अगे मोर्चे चला रहे हो। देखो सवाल यह है, मैं पहला भी बेनती की है कि अमर सिंह चाहल होर ने उन्होंने कहा भी तुसीं बह जाओ दो चार दियां गल्लां होर सुन लो घंटा होर ला जाओ आपां समर्थन करना है, ठीक है, रात की बेनती आप रद्द करके आए हैं। सानू तो किसी को पता ही नहीं उन्होंने आना इतने किसी को नहीं पता, ठीक है, वो आके मतलब बापू जी के सज्जे खब्बे दो जाने बह गए, लौंगोवाल साहब से मेरा ख्याल एक है ना धामी साहब से बापू जी दस रहे थे है ना। सो गल ये आ कि जे वो आ ही गए सी तो फिर मतलब जे आपकी गल कहती सी तो दो चार सुन भी लेंदे, उदू बाद मोर्चे के जिन्हें जिम्मेवार बंदे से वो नाल जाते तो यह घटना बिल्कुल नहीं सी वापरनी। नौजवानों को जोश के नाल होश रखने की भी लोड़ है क्योंकि मोर्चा बहुत उच्च पद्धर से जाना थोड़ा साल भी लग सकते हैं, छे महीने भी समाप्ति हो सकती है, किमें नौजवान रोज़ स्टेज के उत्ते किमें समझाने की लड़ होएगी थोड़ा क्योंकि नौजवानों के जोश ही बहुत है क्योंकि पिछलिया जिन्नी घटनावान हुई ने गुस्सा भावें नौजवान भरिया होया किमें समझाओगे। देखो इस मोर्चे के सोच नहीं सकते किडे किडे योधे जड़े ने शामिल ने, इस मोर्चे दे विच ओ लोग शामिल ने जिन्हां ने आपदे पिंडे दे उत्ते कहर दा तशद्दद झल्लिया, इस मोर्चे च ओ शामिल ने जिन्हां ने किसी ने 10 साल किसी ने 20 साल जेल कट्टी है, इस मोर्चे दे विच ओ शामिल ने जिन्हां ने आपदे परिवार दे 3-3, 4-4 जी गवाए है, ठीक है, इस मोर्चे दे विच ओ शामिल ने जिन्हां ने कौमी हक हकूक लैण वास्ते आपदियां हत्थां च असाल्टां फड़ियां जेलां कट के आए हैं, ठीक है, मोर्चे नूं कंट्रोल करना उन्हां लोकां लई कोई औखा नहीं, मोर्चा कंट्रोल होएगा। अज बापू जी की सेहत थोड़ी जी ढिली हो गई है, कल नूं उन्हां नौजवानां ने जिन्हां ने भी गलती कीती है उन्हां नूं बुला के प्यार नाल ते गुस्से नाल घूरिया जाएगा कि अगे तो अजिही घटना नहीं होनी चाहिए, मस्तैदी वधाई जाएगी, 100 वलंटियर तैयार कर लिया गया, उन्हें डेंटी कार्ड दे दिते गए हैं और आने वाले समय के असी जिहड़ा हैगा पूरा इत्थे अपनी जिम्मेवारी जिहड़ी हैगी आ निभाउण दी कोशिश कर। एक मोर्चे दे विच जिवें दिल्ली मोर्चे दे विच कई बार देखिया असी अग लाने की डेंटा कोशिश की गई है, कई बारों इदा दाकत आन के नौजवान अनपछाते आ के माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, उन्होंने पछाण किमें करोगे क्योंकि दस्तारधारी सारे ने उन्होंने किमें अगली जी फोर्स बनाओगे इस तरीके के नौजवान छड़े जाएंगे जिसके नाल कि थोड़ा मोर्चा भी खराब ना हो कोई हमला भी जोड़ा कोई ना करे किसी के उ। देखो मैं थोनों पहला दसिया भी इतने मोर्चे च वो लोग शामिल ने जोड़े अग ना खेडते रहे, ठीक है, इस मोर्चे च अग ला किसी की कोशिश सफल नहीं होनी, ठीक है, सियासत करने वालों की थोड़ी बहुत ही गल जी है गड़बड़ करने वालों की वो सफल हो सकती है, पर इस मोर्चे के उत्ते शहीदां दा पैर है, गुरु की रहमत है, सिमरन दा ते बाणी दा पैर है, ये मोर्चा चढ़दियां कलां लजाएगा। अज बहुत लोगों के टैलीफोन आए हैं कि असी ट्रालियां तैयार करी बैठे हैं, कल नूं तुसी मोर्चे का आकार ते रंग देखियो अज नालों दुगना होएगा, ठीक है, बिल्कुल तुसी देखो कि ये सन भाई बलविंदर सिंह जिन्हां वल्लों दस्सिया गया कि जिहड़ी अज IGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के उत्ते हमला होया है तो उन्होंने नौजवानों कल बुला के समझा भी जाएगा, अगर कोई उसके अणपछाता जो कोई शरारती अंसर पाया गया उद्दे कार्रवाई भी करवाई जाएगी। इस लैके इन्होंने दसा कि आने वाले दिनों के भावें कोई भी आवे मोर्चे के तालमेल कमेटी उन्होंने सही तरीके दे नाल वापसी भेजेगी, इदा दे हमले नहीं होणगे जिहड़ी अज दी मदभागी घटना होई है, इस नूं लैके इन्हां ने भी चिंता जताई है कि मोर्चे दे विच इदा दे मामले नहीं होने चाहिए, तो देखते कि आने वाले दिनों मोर्चा दस्सिया जा रहा है कि उच्च पद्धर जा रहा है, लगातार पंजाब दे विच फोन आ रहे हैं
कि असी मोर्चे भी जाना ट्रालियां भर भर के इस मोर्चे आने लई बलविंदर सिंह दस्सिया कि लोग तैयार बैठे ने कि हुण आकार जिहड़ा इस मोर्चे का बदल जाएगा। देखते हैं कदों हुण जिहड़ियां बंदी सिंघां दी रिहाइयां 328 सरूप जिहड़े लापता ने उन्होंने तो नाल जी गुरु साहब की बेअदबी हुई है वो इंसाफ वास्ते कदों जी सरकार इन दंगा पूरी करती है तो आने वाला समय दसेगा। होर खबर देखने वो तो वह चैनल में सबसक्राइब कर लियो तो इस खबर में वो तो वह शेयर करो जिद कि हर देश विदेश बैठे व्यक्ति को जी खबर पहुँच सके। थोड़े कैमरामैन सुमित।